प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम आज परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें और डेली डिवोशन में हम सब एकत्रित हैं और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने हमें संभाला है। और आज की जबकि हम बड़ा व्यस्त है, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम दोनों को एक बार फिर से यह अवसर दिया कि परमेश्वर की संगति को हासिल कर सके। और जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय फेसबुक पर आगरा मसीह मंडली पेज पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु आप सबों को आशीष दी। आइए परमेश्वर की महिमा में चलें, इससे पहले हम परमेश्वर के चरणों में अपने सर को झुकाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, आपके प्रेम के लिए। खुदावन आपने संभाला, आशीष और बरकत दी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पूरी सुरक्षा प्रदान की, हर एक दुख तकलीफ परेशानी टेंशनों से बचाया, खुदा ने अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी चीजों को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबों की अगुवाई करें। खुदावन जितने भी प्रिय भाई बहन इस समय डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली पेज पर प्रभु जी उपस्थित हैं और इसके बाद ऑफलाइन देखेंगे, खुदावन आप हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। विशेषकर जो महिमा की जाती है प्रभु, उस महिमा को आप ग्रहण करें खुदावन। और जो वचन आने वाला उस वचन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी दासी के द्वारा से प्रभु आप वचन की बातों को हमें सुनाना जा रहे हैं प्रभु जी। और वाणी आपकी बेटी की नहीं प्रभु जी, वाणी आपकी है यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी व्यवस्था को सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं विश्वास के साथ। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमेन, 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 आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब आनंदित हैं, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। चलिए अब हम चलते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाके रखते हम, मन को तेरे सामने लाके रखते हम, वंदना करते हम, वंदना करते धन्यवाद हो प्रभु इस अवसर के लिए। मेरे मसीहा जीवन दीप जला, जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के आंखों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। यस लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद इस अवसर के लिए, समय के लिए,
कि व्यस्तम समय से आपने एक बार फिर से हमें मौका दिया है कि प्रभु आपके नाम को ले सकें। निर्बल मानव पापों के सागर में खोया संभालो प्रभु जी भव सागर में खोया, अब तुम संभालो प्रभु जी भव सागर में खोया। वंदना करते हैं हम थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। तो आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे और हम सबसे पहले पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि पिता ने इस समय में हमें सुरक्षित रखा और प्रभु ने आज की रात्रि में हमें अब तक संभाले हुए हैं ताकि हम सब भाई बहन मिलकर प्रभु की आराधना में शरीक रहें और रोजाना डेली डिवोशन में इस रात्रि के समय सब मिलकर मसीह की संगति में प्रभु की संगति में बढ़ते हुए चले जाएं और प्रभु की इस आवाज को हम सुन सकें जो प्रभु आज हमें जिन वचनों से हमें उत्साहित करना चाहता है हम प्रभु के उन वचनों की ओर अपने कानों को लगाएं। और आप सभी भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं कि आपने आज की इस रात्रि में भी फिर से प्रभु के लिए समय निकाला और प्रभु के कलाम को अपने जीवन में आपने पहला स्थान दिया है। प्रभु आपको बताए से आशीषित करे, हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं और जैसे कि परसों हमने परीक्षा के विषय में पढ़ा था, एक्सक्यूज मी, प्रेज द लॉर्ड। तो जिस तरह से हमने परसों पढ़ा था और सीखा था हमने वचन से कि किस तरह से इजरायली जब मिस्र से निकाले गए तो तब उस जंगल की यात्रा के दौरान उन्होंने परमेश्वर को परमेश्वर की इन बातों को मूसा पर वो बुड़बुड़ाए, किसी भी बात में वो किसी तरह से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन परमेश्वर उस जंगली रास्ते में उस जंगल के रास्ते में वो उन्हें कुछ सिखाने चाहता था जैसे कि नियम मानना, आज्ञा मानना, उसकी व्यवस्था को मानना और विशेष तौर से अपने उस विश्वास में बने रहना जिस विश्वास को लेकर वो उस मिस्र देश से बाहर निकले। उस परीक्षा के बारे में पढ़ा और हमने ये भी सीखा कि उन इजरायलियों में से कितने लोग उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंच पाए, लेकिन अपने विश्वास की कमी के कारण वो सभी जंगल में ढेर हो गए, जंगल में मर गए और अपने उस प्रतिज्ञा के हुए देश में नहीं पहुंच पाए। और इन्हीं गलतियों को जो इजरायलियों ने किया अपने जबकि परमेश्वर उनके साथ साथ था, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास की कमी के कारण उस वाचा के देश में वो ना पहुंच पाए। और यही हालात हमारे हैं मेरे प्रियो, कि हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह हर पल हर साथ रहता है और जबकि उसका वायदा है कि मैं इस संसार के अंत तक, इस जगत के अंत तक तेरे साथ हूं, और हमारे वो जीवन में दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हम परेशानियों में, बाधाओं में, विपत्तियों में आ जाते हैं तो अपने विश्वास में हम कमजोर हो जाते हैं।
और इसी विश्वास की कमी के कारण हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। लेकिन हमारा पिता चाहता है कि हमारा जीवन प्रभु के लायक बन सके। प्रभु जो हमें बातें सिखाना चाहता है हमारे जीवन में उसके आज्ञाकारिता में बने रहने के लिए हमें उस बात को सीखना है। और इन इसराइलियों की परीक्षा के पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने जीवन के द्वारा परीक्षा दी। और उस परीक्षा को हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के बाद जब आत्मा उन पर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा और आकाश खुल गया और वहां से क्या आवाज आई कि मेरा प्रिय पुत्र है मैं अति प्रसन्न हूँ। और उसी के पश्चात हम जब पाते हैं वचन को जब हम पढ़ते हैं बाइबल को हम पढ़ते हैं तो हम वहां ये पाते हैं कि आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया। आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया किस लिए? ताकि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होने पाए। क्यों? क्योंकि उसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह की का सेवा काल सेवा कार्य शुरू हो चुका था। और उस सेवा कार्य को करने से पहले वो तैयारी करने से पहले आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले जाता है ताकि वो उस परीक्षा में उतरने पाए उस परीक्षा में वो विजयी होने पाए। और हम सब प्रिय अच्छी तरह से जानते हैं भली भांति जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से उन तीनों परीक्षाओं पर वो विजयी हुआ। और अगर जब हम तीनों इन परीक्षाओं के बारे में बातचीत करेंगे तो हम इस बात को भी सीखेंगे हर परीक्षा को अपने जीवन से हम रिलेट करेंगे कि आज भी वो शैतान वो दुष्ट किन किन बातों से हम मनुष्य की परीक्षा लेता है। और ये पूरा वाक्य पूरा वृत्तांत मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 1 से 11 पद में पाया जाता है। और जब हम वहां पढ़ते हैं जो पहली परीक्षा हुई वो परखने वाला ये वो दुष्ट जब प्रभु यीशु मसीह के निकट आता है वो क्या पहली परीक्षा लेता है कि यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले हम यही देख रहे हैं कि पहली परीक्षा किस बारे में हुई? रोटियों के बारे में। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन रात निराहार रहा। उसको भूख लगी, वहां पे लिखा है भूख लगी। तो भूख लगने के बाद हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? रोटी की। और वो दुष्ट भली भांति जानता था कि देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस जो उसकी शरीर की आवश्यकता है वो किस तरह से उसको वो पूरी करता है। और वो जब जंगल में था तो इसका मतलब कोई भी वहां पर इंतजाम नहीं था। और शैतान ने सबसे पहले इस बात की परीक्षा की कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का क्या जवाब था? उन्होंने कहा कि ये लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर रोटी किसे कहा? प्रभु के कलाम को, प्रभु के वचन को जो जीवित है जो प्रभु के मुख से निकला हुआ है। उस वचन के द्वारा ही हमारी सारी भूख सारी प्यास दूर हो जाती है। जैसे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं उसके गहराई में चलते रहते हैं परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते चले जाते तो हमें किसी भी तरीके से भूख प्यास की जरूरत ही नहीं होती। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा ही उस शैतान को ये जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। और हम इसी पहली परीक्षा को जो अपने से रिलेट करते हैं हम सभी आजकल किस चीज के पीछे लगे हुए हैं? सिर्फ रोटी कमाने में। और इसी रोटी कमाने के चक्कर में हमारे पास समय नहीं है अपने प्रभु के लिए, अपने प्रभु के कलाम को पढ़ने के लिए समय नहीं है, सुनने के लिए समय नहीं है। अगर कोई दास दासी प्रभु के वचन को हमारे बीच में बांट रहे हैं तो हमारे मन में दुष्ट ये डाल देता है कि ये तो तूने पहले से ही सुना हुआ है, ये क्या तुम्हें सुनाएंगे, तू तो इसे जानता है। क्योंकि वो दुष्ट नहीं चाहता कि हम इन वचनों को बार बार पढ़े। और जब हम
आप खुद इस बात को एक्सपीरियंस करेंगे, अगर आप इसी कलाम को बार 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 पढ़ते हैं तो हर बार प्रभु आपको नया प्रकाशन देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उस दुष्ट ने प्रभु यीशु मसीह की पहली परीक्षा उस रोटी के द्वारा की गई, क्योंकि वो जानता था कि वो 40 दिन रात निराहार रहा है, उस जंगल में उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले उसने उस रोटी को पेश किया कि तू चाहे तो इस कह दे इस पत्थर से रोटियां बन जाए। और ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुष्ट वचनों को बहुत अच्छी तरह से ज्ञान रखने वाला था, क्योंकि दुष्ट कोई और नहीं, वो लूसीफर था जो पृथ्वी पर गिराया गया था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर घमंड आ गया था, उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य सोचने लगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके इस परीक्षा के इस जवाब, इस प्रश्न का जवाब उसने वचन से दे दिया कि मनुष्य को रोटी की आवश्यकता नहीं है, अगर वो प्रभु के वचन को खा लेगा, वचन को पढ़ लेगा, वचन को ग्रहण कर लेगा जीवन में, तो उसे रोटी की आवश्यकता नहीं। हालेलुया, और उसी से हम जीवित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी परीक्षा जब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। अब ये दूसरी परीक्षा शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सामने रखी गई, जो भजन संहिता 91 में भी पढ़ते हैं कि यदि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है अगर तू नीचे गिरा देगा तो तुझे तो स्वर्गदूत अपने आप उठा लेंगे, क्योंकि लिखा है कि तुझे चोट नहीं लगेगी, वो तेरे पाँव में ठेस नहीं लगने देगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जवाब क्या था? उन्होंने ये कहा कि ये भी लिखा है, यानी वचन में ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रिय, इस बात को हम सीखेंगे कि जब हमें किसी पर विश्वास होता है तो उसका हम पहले टेस्ट नहीं लेते, हम अपने पेरेंट्स का टेस्ट नहीं लेते कि वो हमारे लिए करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे पेरेंट्स तो ऑलरेडी तैयार ही हैं, हमारे लिए खड़े हैं कि वो हमारी हर जरूरतों को पूरा करेंगे, तो स्वर्गीय पिता क्यों ना हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का क्या जवाब दिया कि तू अपने पिता की, तो अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। ये तो जरूर लिखा है कि अगर तू कहीं तुझे ठोकर लगे, लेकिन परमेश्वर तेरी उस तेरी सुरक्षा के लिए अपने स्वर्गदूतों को तेरे लिए भेज देगा। जब हमें ये मालूम है कि भेज देगा तो हमें क्या परीक्षा लेने की अपने पिता की जरूरत है? उसके लिए क्या परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए क्या हमें ठोकर लगनी जरूरी है? परमेश्वर तो हमें ठोकर से पहले से बचा रहा है कि ठोकर तुम्हें लगे ही क्यों, हमें ठोकर लगने की जरूरत ही नहीं है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम क्यों गिरेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस दूसरी परीक्षा में शैतान ने, उस दुष्ट ने प्रभु यीशु मसीह की किस तरह से परीक्षा ली कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे उस शिखर पर। जब हम किसी ऊंची पदवी पर चले जाते हैं, ऊंचे पद पर चले जाते हैं, सारे चीजों का अधिकार हमारे हाथ में होता है, हम जैसा चाहे कुछ भी कर सकते हैं, और उस कुछ भी करने वाली बात में हम किसी के प्रति अहित भी कर सकते हैं, उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, वही हम अपने आप में गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब हमारे साथ होता तो हमें गिरने नहीं देता, वो हमारे अधिकारों को चाहता है कि जो अधिकार, जो पदवी, जो इस समाज में रहकर, इस समाज वर्ग में सेवा कार्य में रहते हुए जो अधिकार हमें मिले हैं, उन अधिकारों को हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अन अधिकारियों को इस्तेमाल करते हुए हम अपने आप को, अपने आप के, अपने इस जीवन को जो प्रभु ने हमें दिया, उस जीवन में किसी प्रकार का कोई दाग न लगने दे। हाँ मेरे प्रियो, यह प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा फिर से उस दुष्ट को जवाब दिया कि ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से तीसरी परीक्षा की हम बात करते हैं, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो आज के इस समय में भी शैतान हमें संसार के वैभव को दिखाता है, संसार की चकाचौंध को दिखा रहा है, और हम मनुष्य जब उसकी बातों में फंस जाते हैं,
जब उसकी बातों में फंस जाते हैं संसार के वैभव को देखकर, तो हम अपनी उन अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए हम उसके सामने झुक जाते हैं, चाहे हमें कोई भी गलत कार्य क्यों ना करना पड़े। हमें भूल जाते हैं कि ये तो संसार है, ये संसार का हाकिम शैतान है, लेकिन हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो तो हमें उससे बढ़कर देने के लिए हमें अपने पास बुला रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने किस प्रकार से ली, सारे संसार का वैभव और राज्य दिखाकर। क्या शैतान को मालूम नहीं था? उसको मालूम था ना, वो परमेश्वर का पुत्र है, तो संसार उसके सामने क्या है? संसार के सारे वैभव को दिखाकर प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से वो परीक्षा में ला सकता था? क्यों? क्योंकि वो एक देह के रूप में इस पृथ्वी पर आए थे, मनुष्य के रूप में उस समय वो थे, तो सारे राज्य सारे वैभव को दिखाए कि वो किसी न किसी तरह उसकी उस परीक्षा में पढ़कर, उसकी बातों में आकर परमेश्वर की जो योजना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे व आपके लिए पूरी होनी थी, उस बात से वो डिग जाए या हट जाए, भटक जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने देह के रूप देह धारण करते हुए भी, अपने शरीर में रहते हुए भी, अपनी उन सारे उस संसारिक बातों से बातों को उसने नकार दिया, बल्कि उसने ये जवाब दिया, प्रभु यीशु मसीह ने ये जवाब दिया, हे शैतान दूर हट, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो संसार के जितने भी वैभव हैं, जितने भी विलासता वाले जीवन है या विलासता रूपी संसाधन है हमारे पास, वो परमेश्वर के सामने कुछ भी मायने नहीं रखते, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर द्वारा मिले गई आशीषों में परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाता। मैंने पहले भी इस बात के लिए चर्चा की थी कि संसार में दो प्रकार के धन है, दो प्रकार की डिग्निटीज है, दो प्रकार के ओहदे हैं। आप इन तीनों परीक्षाओं में आप उसको देख सकते हैं, दो प्रकार के, जो एक दुष्ट की ओर से, एक परमेश्वर की ओर से है। दुष्ट आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है, अपना गुलाम बनाना चाहता है, वो अपना गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें अपनी संतान कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने हमें संतान होने का अधिकार दिया है। वो तो कह रहा है मेरे पास तो स्वर्ग और अधरोग की कुंजियां मेरे पास हैं। अगर हम उसके उस अधिकार को ले लेते हैं तो कुंजियां भी ऑलरेडी हमें परमेश्वर देने को तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें इन परीक्षाओं से, तीनों परीक्षाओं से अपने आप को रख कर ये देखना है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह की जगह होते तो क्या शैतान की इन बातों में हम आ जाते। और शैतान भी वचनों को बाखूबी जानता है कि क्या लिखा है वचन में, और जब तक हम वचन को नहीं जानेंगे तब तक हम वचन के द्वारा शैतान को अपने जीवन से दूर नहीं भगा सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर खाने की परीक्षा हुई कि जिस प्रकार से आजकल आर्थिक समस्याओं में मनुष्य है, और ये परीक्षा सच में गंभीर परीक्षा है मनुष्य के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने इस परीक्षा में वो स्थिर रहे एक मनुष्य के रूप में, और उन्होंने उस शैतान को उन वचन के द्वारा समझा दिया कि तुझे अपने प्रभु की परीक्षा नहीं करनी, और जो कुछ प्रभु के मुंह से वचन निकलता है उसके द्वारा मनुष्य जीवित रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं जब हम इफिसियों के 6:12 में पढ़ेंगे कि जो दुष्ट है वो हमारा किस तरह से परीक्षा करता है, किस तरह से हमारे मनों में हमारे हृदय में गलत विचार डालता है। 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश पे है। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों से नहीं है हमारा मल्लयुद्ध, हमारा मल्लयुद्ध जो आकाश में रहने वाली वो दुष्ट की सेना है उनसे हमारा वो युद्ध है, क्योंकि उनके द्वारा वो हमारे मनों में, हमारे हृदयों में परमेश्वर के विरोध में कई ऐसे विचार खड़े कर देता है ताकि हम अपने जीवन में निराशा में चलते चले जाएं, उसके चंगुल में आ जाएं। क्योंकि वो जिस तरह से आदम के समय में उसने
हवा को वो फल दिखाकर अपनी ओर अट्रैक्ट किया। आज भी दुष्ट हमें संसार के वैभव दिखाकर, संसार की सुख सुविधाओं को दिखाकर हमें परमेश्वर से दूर करता है, परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन यदि आपको अपने जीवन से शैतान को हराना है तो आपको वचन को अधिक से अधिक अपने हृदय में बसाना पड़ेगा, ताकि आप वचनों के द्वारा उस दुष्ट को अपने से हटा पाए। और प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से उस दुष्ट को अपने पास से भगा दिया। और जैसे ही शैतान ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह उसकी परीक्षाओं में विजयी हो गया है, तो वो वहां से चला गया। और जैसे ही शैतान उसके जीवन से चला गया, और स्वर्गदूत आकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगे। हालेलुया। इसी तरह से मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में परीक्षा की घड़ी आती है और हम स्थिर रहते हैं प्रभु के कलाम को लेकर, तो दुष्ट हमारे साथ नहीं टिक पाता, वो हमें डिगा नहीं पाता, वो हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो जान गया है कि हमारे जीवन में कौन है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करे, और इसी तरह से हम जब तक पृथ्वी पर जीवित हैं, प्रभु के कलाम को हम थामे रहें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर की दासी के माध्यम से हम सुन सके। परमेश्वर ने जो वाणी अपनी दी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना, अब आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलेंगे। और आज हम एक चीज और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इस समय हम दोनों जगह भी हमारी फर्क आपको दिखाई दे रही होगी। उसका कारण यह है कि आज हमारे बड़े बेटे का जन्मदिन है, और मार्क का, और हम लोग व्यस्त थे काफी, और उधर गेस्ट बैठे हुए हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। सिस्टर रुचि प्रार्थना कर, ठीक है सिस्टर, प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने आपकी इस प्रार्थना निवेदन को समझ लिया है, और आइए हम अब प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ रही है। और खुदावन, जो वचन आपने आज अपनी दासी के माध्यम से कहलवाया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और यह बीज जो बोया गया है पिता परमेश्वर, भरपूरी से फलवंत होने पाएगा प्रभु, हम विश्वास करते हैं। खुदावन प्रार्थना करते हैं और रेक अपने भाई बहनों के लिए जो फेसबुक लाइव आगरा मसीह मंडली पेज पर उपस्थित है और लगातार हमारे साथ रोज रेक देखते हैं, और उसके बाद जो ऑफलाइन देखेंगे प्रभु, उन सबों को भी आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं बहन रुचि ने, जैसे उन्होंने लिखा है कि मेरे आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए, आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए। हाँ बहन, प्रभु आपको अपने रीति से छू रहा है पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं बहन रुचि के जीवन के लिए प्रभु, जब उन्होंने जाना है पिता परमेश्वर आपका आपको, और वो आपसे प्रेम करती हैं पिता परमेश्वर, उनके मन को मजबूत करिए, उनके विश्वास को मजबूत करिए, और उनके साथ संगति में आप लगातार रहिए पिता। ये विनती करते हैं प्रभु, अपनी दासी पर रहम करना। प्रार्थना करते हैं खुदा उन यीशु मसीह, हर एक बातों के लिए, हर एक चीजों के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक छोटी बड़ी बातों में आप हम सबकी अगुवाई और रहनुमाई करें खुदावन। प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से खुदावन प्रभु के जो लोग बीमार है खुदावन यीशु मसीह, जो प्रभु कम बीमारी की हालत में है प्रभु, हर एक बीमार को आपके हाथों में देते हैं खुदावन। सब पर दया करें, सब पर चंगाई बोलते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जिन परिवारों में खुदावन विश्वास की कमी है, जिन परिवारों में टूटन है पिता परमेश्वर, पति पत्नी में बन नहीं रही प्रभु, बच्चों में नहीं बन रही प्रभु, ऐसे परिवारों को यीशु आज आपके चरणों में लाते हैं पिता। विनती करते हैं आप अपनी दया करें, आशीष दें, बरकत दें खुदावन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन धन्यवाद देते हैं हमारी जितनी बहनें प्रभु इस वक्त फेसबुक लाइव पेज पर आगरा मसीह मंडली पर है, उन सबों को आशीष दें, और जितने भाई और पासवान लोग हैं प्रभु सबको आशीषित करें, अपना अनुग्रह दें। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर मार्क के जीवन के लिए, जो आशीष के तौर पर पिता परमेश्वर आपने अनुपम और शबनम को बख्शा है खुदावन। धन्यवाद देते हैं उस नौजवान बेटे के लिए प्रभु, आप दया करें, उसे अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छा जीवन दें, और अपनी संगति में उसे रखें, और विशेषकर उसके जीवन का जो उद्देश्य आपने रखा प्रभु, उसमें आप उसकी अगुवाई और रहनुमाई करें। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। रात्रि में जो सफर करते हैं उन्हें हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। प्रार्थना करते हैं
प्रभु जी सब पर आपकी आशीष और बरकत होने पाए और अपना अनुग्रह होने पाए पिता परमेश्वर, आपके आपका अनुग्रह सबके जीवन पर होने पाए खुदावन, आपकी उपस्थिति सबके जीवन में रहे, जो कोई गलत व्यसनों में पड़े, गलत बातों में पड़े पिता परमेश्वर हर एक के जीवन को लाते हैं प्रभु, सहायता कीजिए, मदद कीजिए और सबको अपनी चंगाई दीजिए खुदावन। जितने भी पेजेस पर प्रभु आपके दास और दासी प्रचार करते हैं, जितने भी पेज हैं प्रभु, उन सब पेजों को आपके चरणों में रखते हैं खुदावन, सबको आशीषित करें, सब पर अनुग्रह रखिए, अपनी दया करें। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और हम प्रार्थना करते हैं रोज आप इसी तरीके से जुड़े ताकि प्रभु की संगति में हम और मजबूत होने पाए। और धन्यवाद देते हैं आप लोगों के विशेष के लिए जो आपने मार्क गैरी डेविड को दिए हैं, जो हमारा बड़ा बेटा है, उसके जन्मदिन की जितनी मुबारकबादी आपने दिए पास्टर अरुण लॉन्गसन जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहन सिस्टर रुचि सिस्टर आपको धन्यवाद देता हूँ। जितने भी प्रिय भाई बहनों, सिस्टर सुषमा जी आपका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने उसको अपनी विशेष दिए हैं। और जितने भी लोग इस समय जुड़े हुए हमारे साथ, सबों के लिए मैं, सबके जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन के लिए कि आप आशीषित रहें, आपका अनुग्रह बना रहे परमेश्वर का। आप सबों को जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पहला स्लॉट कल ट्यूसडे है और ट्यूसडे को पास्टर डेविड एंथनी साहब लखनऊ से आते हैं और उनका थोड़ा टाइम फर्क है, वो 6:30 से उनका टाइम है, तो 6:30 से 7:30 और उसके बाद रात्रि में 9 बजे से 10 बजे तक बहन जूली दत्त जो कि अलीगढ़ शहर से, और वो हमारे साथ कल जुड़ेंगी और रात में डेली डिवोशन में हम आपके साथ रहेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की, शुभ रात्रि, खुदावंत की आशीष और बरकतों की रात आपके लिए साबित होने पाए। जय मसीह की, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।